तो दोस्तों ये है सुपर स्प्लेंडर बाइक का इंजन, और आपको हम बताने जा रहे हैं इसका मेन चैम्बर को कैसे फिटिंग किया जाता है, और साथ में आप ये भी देखेंगे कि इसका फुल इंजन को कैसे फिटिंग किया जाता है, कौन से पार्ट्स में कहाँ लगाना है, कौन से वॉशर में कहाँ लगाना है, और इसके गियर को यहाँ पे सभी गियर को कैसे सेटिंग करना है वो भी आप देखेंगे इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले बात, ये क्रैंक है हमारे पास। जब क्रैंक को हम लगाएंगे, हमने इस कनेक्टिंग को चेंज कराया है और इसमें हम ऑयल भी डाल देंगे। इस तरीके से ऑयल डाल के हमें इसको फ्री करना है, क्योंकि वहाँ से जो ऑयल डालता है वो काला ऑयल डाल देता है, कोई भी ऑयल डाल के देता है, तो हमें नया ऑयल डाल के इसको इस तरीके से घुमाना है। तो मैंने ये कर दिया, अब इसका हम इसको हम लगाते हैं। तो इसको इस तरीके से इस तरफ से हम लगाएंगे। देखिए ये बीच वाला चैम्बर है, हम बीच वाले चैम्बर में इसको फिटिंग करने जा रहे हैं सभी पार्ट्स को, ठीक है। एक तो होता है हीरो होंडा बाइक में हम साइड लास्ट वाले चैम्बर में लगाते हैं जहाँ पे मैग्नेट कॉइल लगता है वहाँ पे, तो हम इसको इस तरीके से हम सेटिंग करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा हम इसमें भी ऑयल डाल देते हैं। चलो ऐसा करता हूँ, मैं पहले इधर लगाता हूँ क्योंकि इस क्रैंक की वजह से आपको फिर दिखेगा नहीं, हम पहले इधर ही लगा देते हैं। तो देखिए ये मैंने इसे लगा के रखा है, सेटिंग करके रखा है इसको। इसका लीवल देख लें, पहले लीवल बराबर आता है कि नहीं, आपने सही से सेटिंग किया है कि नहीं। देखिए ये लीवल बराबर है बिल्कुल, यहाँ पर ठीक ठाक है, यहाँ कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको हम लगाएँगे। अब इसको किस तरीके से लगाना है, हमें इस तरीके से लगाना है। ये मैंने लगा दिया यहाँ पे, इधर कोई वाशर नहीं आएगा और इसके ऊपर एक वाशर आएगा, ये ध्यान रखें। ये वाशर होता है, अगर आपने खोल दिया तो इसे लगा दें, वरना ये तो लगा हुआ रहता है, लॉक रहता है, जिस तरीके से इसमें लॉक है इसी तरीके से, ठीक है। तो हम इसको दोनों को हम इस तरीके से हम सेटिंग करेंगे। देखिए ये मैंने इसे सेटिंग कर दिया, और ये अभी जाम है, ये फ्री नहीं घूम रहा है। जब हम सिलेक्टर लगाएंगे, इस सिलेक्टर को लगाएंगे, तब ये फिर फ्री घूमेगा। अभी सिलेक्टर कैसे लगाना है वो भी आपको दिखाएंगे। ये हमें इस सिलेक्टर को लगाना है, ये हमें इस तरफ से देना है, इस तरफ से देना है हमें, इस तरीके से लगेगी। अगर इधर से हम लगाते हैं तो इसका जो सिलाई ये है, बूश है, ये इधर को आ जाएगा, जो कि ये चीज़ें हमें इधर सीधा रखना है। तो हम इधर इधर से लगाएंगे इसको, ये लग गया। अब ये इस सिलेक्टर को देगा, ये चीज़ें हमें इधर रखना है, ये इस तरफ से लगेगा। और पहले हम गियर कैम को लगा लेते हैं। थोड़ा ऑयल भी डाल देंगे। अब देखिए इसको हमें इस ऊपर वाले में हमें घुसाना है इस तरीके से। ये मैंने लगा दिया इधर, ये यहाँ पे, और इसे भी हम उठा के यहाँ पे, ये हो गया। मैं तो दिखा दूँ ठीक से, देखिए इस तरफ से ऐसे सेटिंग होगी। अब हमें इस पिन को लगाना है। पिन को भी लगाने से पहले हम थोड़ा ऑयल डाल देंगे। पिन आप कैसे भी लगा सकते हैं, उल्टा सीधा इसमें नहीं होता है। चलिए ये सेटिंग हो गया। देखो इसे सिलेक्टर को लगाते ही ये हमारे गियर, सभी गियर फ्री हो गया।
अब एक बात मैं आपको और भी बता दूं, ये देखिए ये जो वाशर वाला हिस्सा है ये इस पॉकेट ऊपर रहता है और ये नीचे क्यों रहता है, इसलिए होता है कि इसमें जो बेयरिंग लगा हुआ है एक बेयरिंग नीचे है और एक बेयरिंग ऊपर है, इसलिए ये दिया गया है। ठीक है, अब चलिए हम किक को लगाते हैं। किक को लगाने के लिए यहाँ पे हमें कोई वाशर नहीं देना होगा, कोई बूश नहीं देना होगा, हम डायरेक्ट इसको लगाएंगे और ये वाशर इस तरीके से लगी रहेगी और इसको हम डायरेक्ट ऐसे लगा देंगे और ये जो स्प्रिंग है यहाँ पे आएगा, इस खांचे में आएगा। तो इसे भी मैंने लगा दिया। अब हम करेंग को लगाते हैं। करेंग को हम इस तरीके से लगा देंगे, करेंग बिल्कुल फ्री है, यहाँ कोई भी दिक्कत कोई परेशानी नहीं लगाने में। अब इसको हम चेक कर लेंगे ऐसे, करेंग का जो नीचे छर्रा वाला बेयरिंग है आप उसमें भी ऑयल डाल दें पहले, हमने पहले से डाल रखा है। और इसको हम अब सेटिंग करेंगे, सेटिंग करने से पहले हम सभी यहाँ पर हम पूरा ऑयल लगा देंगे ठीक से, उसके बाद हम इसे सेटिंग करेंगे। और जब दोस्तों इस चैम्बर को जब आप लगाएंगे तो यहाँ पे ध्यान रहे, ये जो यहाँ पे ये लॉक बूश होता है इसको आप पहले खोल ही देते हैं इंजन खोलने के टाइम में, लेकिन साथ साथ आपको ये भी खोलना होगा। ये चैम्बर लगाने के लिए आपको इसे खोलना होगा, इसे इसलिए खोलना है कि यहाँ पर देखिए एक ठोकर टाइप का बूश टाइप का दिया हुआ है, अगर इसे नहीं खोलते हैं तो ये आपका बेयरिंग आपका ठीक से बैठेगा नहीं, ठीक है, आपका ठीक से बैठेगा नहीं, इसीलिए हमें इसे खोल के हटाना होगा, खोल के इसे बाहर निकालना होगा। इसे खोल लेते हैं, तो हमने इसे खोला और ये देखिए, और इधर का जो बूश ठोकर है ये मैंने थोड़ा अंदर इसको थोड़ा अंदर कर दिया, ये देखिए। अगर इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आपका क्रैंक ठीक से बैठेगा नहीं, बेयरिंग ठीक से बैठेगा नहीं, ठीक है, ये ज़रूरी होता है इस बाइक में। अब मैंने इसे खोल दिया, अब पूरे में हम सोल्यूशन डालेंगे और फिर इसे फिटिंग करेंगे। तो मैंने पूरे यहाँ पर चैम्बर में हमने ये रेसी बॉन्ड डाल दिया है, आप रेसी बॉन्ड 3 बॉन्ड कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपका ज़्यादा पुराना इंजन हो, 4 बार 3 बार अगर इंजन खुल चुका है तो आप इसके अंदर पैकिंग भी डाल सकते हैं, साथ में पैकिंग किट में इसका पैकिंग भी आता है। तो अभी हम फिलहाल पैकिंग नहीं डालेंगे, ये पहली बार इंजन खुला है, गाड़ी बहुत पुरानी है लेकिन ये इंजन हमारे पास लमसम ये 2 बार खुला होगा, ज़्यादा नहीं। और देखने की बात तो ये है कि यहाँ पे इसके चैम्बर में कहीं भी कोई फॉल्ट नहीं है, इसलिए हम इसमें यहाँ पे हम गैसकेट नहीं पैकिंग नहीं डालेंगे और वैसे भी पैकिंग डलता नहीं है। तो अब हम इसको चैम्बर को हम लगाते हैं, अगर सोल्यूशन डालते हैं तो बिल्कुल अच्छे तरीके से आप सोल्यूशन उसमें डालें। कोई परेशानी नहीं, बिल्कुल आराम से ये चैम्बर लग गया। देखिए चैम्बर लगाने के बाद आप पूरे चैम्बर को देख लें चारों तरफ से ठीक से, ये आपस में ऐसे बैठा है कि नहीं बैठा है, अगर नहीं बैठा है तो आप उसको ध्यान दें कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, इस तरीके से आप इसको भी चेक करें। चलिए ये बैठ गया, अब इसमें बॉल्ट लगा के टाइट करते हैं। इसके बाद मैं आपको पहले बता दूँ इसको आप किस तरीके से लगाएंगे, इसको इस लॉक को हमें इस बेयरिंग में फंसा के लगाना है ऐसे, ठीक है, बेयरिंग में फंसा के लगाना है, जब ये टाइट हो जाएगा फिर हम इसको लगाएंगे। और इसे जो लगाना है पहले हम यहाँ पे इसका स्प्रिंग डालेंगे ऐसे करके, और फिर हम इसको इस तरीके से हम लगाएंगे। और ये इसका बोल्ट है, बोल्ट काफ़ी टाइट खुला है, इसमें ऑयल डाल देते हैं। चलिए हम फटाफट बोल्ट टाइट कर देते हैं सभी बोल्ट, वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। इसके जो वेंच चैम्बर का सभी बोल्ट है, ये 2 बोल्ट ही देखिए, ये 3 बोल्ट लगेगा, एक यहाँ पे लगेगा, एक ये लगा, हमें यहाँ पे भी अभी लगाना है। ये इंजन काफ़ी दिनों से हमारी दुकान पे पड़ा हुआ था, आज मैं इसे फिटिंग कर रहा हूँ। कुछ भाई काफ़ी दिनों के बाद जब फिटिंग करते हैं तो भूल जाते हैं हमें कैसे फिटिंग करना है, इसीलिए उन्हें यूट्यूब पर सर्च करना होता है।
और हमने तो कोई वीडियो भी नहीं देखा और हम डायरेक्ट इसे फिटिंग करने जा रहे हैं। देखिए ये बोल्ट सभी साइज का, सारे बोल्ट इसी साइज का लगेगा। ठीक है, ये एक दो या तीन, ये बोल्ट लगा, अभी से हम फुल टाइट करेंगे। सारे बोल्ट मिला कितना हुआ, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बोल्ट है इसके अंदर।